कर्नाटक में अमित शाह और राहुल गांधी का फिर से हुआ आमना सामना, मचा भयंकर बवाल। कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में रोड शो किया। इसके बाद उनकी कई जनसभाएं भी होनी है। जानकारी के मुताबिक अमित शाह की कुल 4 जनसभाएं होनी है। अमित शाह ने बेलगावी में लोगों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सावरकर और भगवान हनुमान का अपमान करने की बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, बीजेपी ने कर्नाटक में किसानों के लिए काम किया है, हमने किसानों को कई फायदे दिए हैं। कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया, लेकिन बीजेपी ने मराठों का विकास किया और उनका सम्मान किया। पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर भगवान राम भक्तों के सपनों को पूरा किया। अपने संबोधन में अमित शाह ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भगवान बजरंग बली का अपमान किया। राहुल गांधी के वादों पर किसी को भरोसा नहीं है। वे त्रिपुरा, असम और नागालैंड जैसे राज्यों में हार गए। ये बीजेपी है जिसने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और जनता को राशन दिया, पानी की सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा दी। डबल इंजन की सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम किया है। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिसके नतीजों का ऐलान 13 मई को होना है। इससे पहले सभी दल चुनावी राज्य में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। 5 मई को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जनसभाएं करते हुए लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। वहीं अब बीजेपी भी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज़ डेस्क से प्रिया।